हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिर से एक बार रिवीजन। और आज हम कराएंगे आपको चैप्टर वन का रिवीजन, क्योंकि चैप्टर वन को पढ़े बहुत समय हो गया आपको। सबसे पहले आपने चैप्टर वन ही पढ़ा था और इसके बाद आप आगे आगे बढ़ते गए और चैप्टर वन को आप पीछे छोड़ दिए। तो चलिए हम फिर से शुरू करेंगे चैप्टर वन। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है बच्चों? कंपैरिजन करना, नंबर्स का कंपैरिजन करना, ओके। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को किस तरीके से लिखे जाते हैं, आपको ये सब रिवीजन करने हैं जो मैं बोल रही हूँ। इंडियन सिस्टम में कैसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं, उन्हीं नंबर्स को। अच्छा, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, सपोज देन आपको 6 डिजिट दे दें या 7 डिजिट दे देते हैं, और उनमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है या ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? जब दिए गए नंबर से स्मॉलेस्ट में बनाएंगे तो उन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाते हैं। इसी प्रकार से दिए गए नंबर्स को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बन। लेकिन यदि उस नंबर में जीरो है बच्चों, तो जीरो डिसेंडिंग में तो आप वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्मॉलेस्ट में जीरो सबसे पहले नहीं लिखना है, ओके। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो उसको लिखेंगे, उसके बाद ही ज़ीरो को लिखेंगे। ये नहीं आप सबसे पहले ज़ीरो लिख दीजिए, आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ओके। अच्छा, अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको दिया गया है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं बच्चों? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। और अच्छा हाँ, देयर आर 0 in 3 करोड़। बच्चों अगर 3 करोड़ लिखने हैं तो इसमें 0 कितने लिखेंगे आप? 7 0, ओके। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, ओके। देन करोड़, तो करोड़ के स्थान पे तो 3 है ही, बाकी सब में आप क्या लिख देंगे? 0। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। अब 1 मिलियन प्लस 10 लाख इज इक्वल टू कितने मिलियन होते बच्चों? यस, 1 मिलियन यानी 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना फिल करेंगे? 2 मिलियन। यहाँ पर सीक्वेंस दिए हैं, इनको आपको आगे बढ़ाते जाना इसी क्रम में, ठीक है। और इस सीरीज़ को बनाना है कैसे, यहाँ पर देखिए कितने कितने प्लस किए गए हैं। सबसे पहले ये बताइए हम इसको क्या पढ़ते हैं? 10 लाख, ओके। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, ओके। इस तरीके से हम नंबर्स को पढ़ते हैं। तो पहले क्या है? 10 लाख, फिर 20, 40 लाख। अब आप बताइए 10 लाख में कितने प्लस किए कि 40 आ गया? 30, ओके। अब फिर नेक्स्ट है 70 लाख, इसमें भी आपने कितने प्लस किए? 30। इट मीन्स हम सब में कितने लाख प्लस करते जाएंगे? 30 लाख। इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ जाएगी। 7 मिलियन एंड 7 इज, बच्चों 7 मिलियन इज एंड 7 इज, इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स आपको नंबर नेम लिखना है, 7 मिलियन एंड 7। कैसे लिख सकते हैं नंबर नेम? 1, 10, 100, ओके। तो 1 के स्थान पे 7 है, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ओके। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कितने ज़ीरो बढ़ा देंगे आप? अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए आप 5 0 हो जाएंगे, 1, 10, 100, 1,000। तो 1 के स्थान पे तो 7 ऑलरेडी हो गया, ओके। आप 10 से काउंट करेंगे, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ओके। इस प्रकार से आप 5 0 बीच में लगाएंगे, फिर आ जाएगा 7। डिफरेंस ऑफ 10 लाख एंड 1 मिलियन, तो बच्चों 1 मिलियन इज 10 लाख इज इक्वल टू तो 1 मिलियन होता ना, तो 1 मिलियन में से 1 मिलियन को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, वेरी गुड। अब यहाँ इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों?
वंस 10 100 1000 10000 लैक 10 लैक एंड करोड़। ये क्या लिखे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। आपको ये पूरा चैप्टर ऐसे रिवीजन करना है और फिल करके देना है। आपको इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 8 की। अच्छा, अगर इसी में हम फेस वैल्यू पूछे 8 की तो क्या हो जाएगी, यस फेस वैल्यू 8 रहेगी। प्रेडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब आपको लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर लेना है। वेरी सिंपल, 9 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 7 टाइम्स। ओके, 1 माइनस कर दीजिए, यानी आप 9 को 6 टाइम लिखिए एंड लास्ट में क्या आएगा, 8। ओके, तो आप नंबर कैसे करेंगे, आराम से पहले 7 टाइम्स 9 9 लिख जाओ। ओके, फिर उसमें 1 माइनस कर दीजिए, जिस मतलब बिफोर नंबर लिख दीजिए, बिफोर नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर्स। दिए गए नंबर्स में देखिए, यहाँ पर जो नंबर दिए गए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, 4 करोड़ है यहाँ पे, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो जो नंबर आता है वो क्या होगा, इस नंबर का सक्सेसर होगा कि प्रेडिसेसर्स। प्लस मीन्स सक्सेसर, माइनस मीन्स प्रेडिसेसर। तो बच्चों बस ये आपका होमवर्क है, इसे आप हमारी क्लास में भेजिए। ओके, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ बच्चों आप लोगों को भी आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ज़्यादा इजी लगा होगा, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। बच्चों मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स भी मैंने आपको पढ़ाए हैं कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में क्या अंतर होते हैं। जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2, लेकिन अगर 4 के मल्टीपल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 4 जाए 16। ओके, 10 के मल्टीपल्स अगर पूछते हैं तो 10 2 जाए 20, 10 3 जाए 30, ये मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन 10 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 2 into 5, यानी 2 and 5। ओके, इसी प्रकार से बच्चों मल्टीपल्स 9th हो या 5th हो, अगर आपसे कहते हैं 9th तो 9th मीन्स होता है 9th ही आपका, जैसे 9th मल्टीपल ऑफ 2 तो 2 का 9 मल्टीप्लाई करिए 18 आ जाएगा। 6th मल्टीपल ऑफ 12 तो 12 इंटू 6 कर देना है। ओके, बस अब आपको यहाँ पर करना क्या है बच्चों, कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, आप इनमें से सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ, ये क्वेश्चंस जो है, ये सॉल्व वाले क्वेश्चन है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल करना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है HCF into LCM। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1 नंबर इंटू 2nd नंबर इज इक्वल टू HCF into LCM। तो बच्चों यहाँ 4 चीज़ें दी होंगी, चार चीज़ें दी जाती हैं, 4 में 3 चीज़ें दी होंगी, 1 चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो जब 1 चीज़ फाइंड करनी है, इट मीन्स आपको डिवाइड भी करना है। यहाँ प्रोडक्ट नंबर दे दिए, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई दे दिया है, HCF दे दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF, यानी आपको 756 को डिवाइड करना है 12 से, जो आंसर आएगा वो होगा LCM। इसी प्रकार से LCM क्वेश्चन नंबर 2 में, ये देखिए मैंने इस तरीके से किया है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू इतना दिया, एच सब बराबर इतना दिया, फिर LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन ये। अब आपको डिवाइड करके आंसर आप फाइंड करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको HCF 10 दिया, LCM 12 दिया, 1 नंबर दिया 20, अदर नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों वेरी सिंपल, अदर नंबर इज इक्वल टू HCF into LCM अपॉन 1 नंबर जो दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपने 10 into 12 का मल्टीप्लाई किया और 20 से आप डिवाइड करेंगे, तो आप आंसर आप फाइंड करेंगे कि आंसर आपका कितना आता है। ओके, 10 2 जा 20, 2 6 जा 12, आंसर इसका 2 आएगा। और जब आप इसको करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72 एंड 12 3 जा 36। ओके, अब आप समझ जाएंगे कि आंसर आपका कितना आ जाएगा, 63 फर्स्ट का और
तो बच्चों अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो हमने ये FIB दी है ये क्वेश्चन आप मुझे बुक में फिल करके दे दीजिए, और एज ए होमवर्क क्वेश्चन नंबर डी कॉपी में नोट करके दीजिए। ओके बच्चों, और सब बस अब आपको सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया है उन चैप्टर्स का सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और कोई भी दिक्कत होती तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस।